Audio Jungle. देपालपुर क्षेत्र के 75 गांव का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्षेत्रीय एसडीएम राधेश्याम मंडलोई ने आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां एसडीएम ने स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितताओं का सफेद हाथी देखा। बताया जा रहा है कि यह आकस्मिक निरीक्षण क्षेत्रीय विधायक विशाल पटेल के निर्देश पर किया गया। एसडीएम ने स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितताओं का सफेद हाथी देखा है। एसडीएम ने ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, लेबोरेटरी रूम, टीकाकरण रूम चेक करके प्रसूताओं से बात की। इस दौरान एसडीएम जब एक्सरे रूम में पहुंचे तो वहां पर बिजली बंद मिली। एसडीएम भी औपचारिकता निभाने के लिए दौरे पर आए थे। इस पूरे वाक्य में सबसे अहम बात निकल कर यह आई कि जब एसडीएम दौरा करने पहुंचे तो अन्य डॉक्टर तो ठीक, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर चंद्रकला पंचोली ही नदारद पाई गई। मीडिया के सवालों पर एसडीएम पूरे समय दिखाता हूँ, मैं समस्या का समाधान करवाता हूँ, मैं कलेक्टर साहब से बात करता हूँ, मैं स्वास्थ्य विभाग से बात करता हूँ, यह बात कहते नजर आए। जो आसपास के जो सीएससी वाले जो डॉक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी लगा रखी है, ये चीज में जाकर के कलेक्टर साहब को और जो भी जिले के जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जुड़े अधिकारी है उनको बताऊंगा, और जो सीक्रेट स्टाफ है उसके अगेंस्ट पोस्टिंग कराने के लिए सिक्योरिटी वाला कुछ देखा स्टाफ उसमें अलग अलग है। मेडिकल अफसर का एक पोस्ट है, वो अपने बीएमओ का एक पोस्ट है, मेडिकल अफसर के अलग है, एक गायनिक है, एमडी है, हाँ कुछ जो है गिरिजन जो पोस्ट है उसके अगेंस्ट है डॉक्टर नहीं का यहाँ पदस्थापना यहाँ होगी, स्वीकृति यहाँ होगी, काम लिया जा रहा होगा। ये चीज में जो वरिष्ठ जो बैठे हैं स्वास्थ्य विभाग वाले जो है अधिकारी है। नेपालपुर से निर्मल पेरुड़िया की रिपोर्ट।